this is question 30th. This is trading account, profit and loss account, balance sheet on 31st March 07. चलिए जी, मुझे फटाफट से बताइए, क्या मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊं अपनी? क्या हम थोड़ी सी अभी तो हम चल रहे थे मालगाड़ी की स्पीड पर, क्या हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं अपनी? हाँ, अब तो वंदे भारत ट्रेन भी चल पड़ी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए, ये हमने अकाउंट बना दिया, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू बैलेंस बीडी 225,000। फिर है ओपनिंग स्टॉक, दिस इज 9,15,000। फिर है हमारे पास डेटर्स, 222,000। फिर हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल, उसके भाई साहब का नाम है बिल्स रिसीवेबल टू बैलेंस बीडी 90,000। फिर है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, तो कंबाइंड इंश्योरेंस बैलेंस बीडी 3,000। फिर हमारे पास है कैश एंड बैंक बैलेंस 120। फिर है कैपिटल ऑफ वाई, यानी वाई की कैपिटल कितनी है, 4,50,000। फिर है क्रेडिटर्स, बाय बैलेंस बीडी। फिर है बिल्स पेबल, फिर है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो कंबाइंड एक्सपेंसेस, लेकिन ये कौन से वाले एक्सपेंसेस होंगे, अदर देन इंश्योरेंस, अदर देन इंश्योरेंस 67,500। आप इन्हें कंबाइन भी कर सकते थे, इंश्योरेंस के साथ भी कर सकते थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। गोरखपुर आइए जरा मेरे साथ साथ। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, तो आओ क्विकली कैश और बैंक को लिख दे जरा। कैश सेल्स 110,70 टू डेटर्स 2,265 बाय क्रेडिटर्स 112,6500 by bills payable 12,22,500 by, क्या sundry expenses में मैं insurance premium paid को अलग कर दूं? सर, आप insurance premium paid को अलग कर क्यों रहे हो? असल में आपकी query खत्म हो जाएगी। other expenses paid मैं बाद में combine करके भी दिखा दूंगा। तो मुझे बताओ, 931,500 में से 9,000 माइनस कर दें तो कितना हो गया? 31 में से 9 गए तो ये हो गया 22,500। फिर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स 360, क्लोजिंग कैश बैलेंस 190,950। गाजियाबाद, मेरा माइक तो बेटा ऊपर ही था और ऊपर कर लिया मैंने बस। अब मुझे बताओ, कैश सेल्स आ गई यहां। मैं अभी इंश्योरेंस के प्रीमियम को डील करूंगा, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है, उसके लिए आप इंतजार करें। पहले मैं पूरा कर दूं, फिर उसके बाद मैं आपको अल्टरनेटिव बता दूंगा, तो हो सकता है जो आपने किया वो अल्टरनेटिव हो, उससे भी काम हो जाएगा। 22,65,000 क्रेडिटर्स को पैसा दिया, 112,60,500 इनको पे किया, 12,22,500 टू कैश। इंश्योरेंस के प्रीमियम को पे किया टू कैश।
बाकी खर्चे को पे किया 2,922,500, ड्राइंग्स को पे किया माइनस ड्राइंग्स 360, क्लोजिंग बैंक हमारे पास आ रहा है 190,950। एक मैंने काम किया, मैंने बस उनका इंश्योरेंस के खर्चे को अलग कर दिया और मैंने कुछ नहीं किया। कोटा बेटा मैं ना अभी क्वेश्चन अधूरा नहीं छोड़ूंगा अपने पास, जो आप कह रहे हो कि वो करा के बाकी छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अपने पास इसे करके आपकी क्वेरी लूंगा उसके बाद। अच्छा बच्चा कह रहा है 9,922,500 गलत लिखा है। गलत नहीं लिखा है ना मैंने, 9,22,500 गलत लिख दिया क्या हमने? 9,22,500 गलत लिख दिया, ये 500 नहीं है, 0,50 है। ये लो 0,50 कर दो। तो मैंने अपने पास इन सब को लिख दिया। अब आ गई नीचे कुछ और एडजस्टमेंट। यमुनानगर कहता है अब रुक जाओ। तो यहां तक पहुंचने के बाद अब यमुनानगर की बात मान लेते हैं और हम कहते हैं अपनी स्पीड को हम स्लो कर देते हैं। अंबाला इंश्योरेंस का पॉइंट हम इस सवाल के एंड में डील करेंगे। ओके, रोहतक ने बैलेंस शीट टैली कर रखी है। वेरी गुड, रोहतक, रोहतक कर चुके ये सवाल। हालांकि जहां तक मेरी याददाश्त है, हमने ऐसा कोई सवाल पहले भी किया था कि नहीं किया था? ऐसा ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट था वो, सिमिलर क्वेश्चन था। अच्छा मुझे बताइए क्या मैं आगे चलूं? हावड़ा का भी आंसर आ गया, जबलपुर का भी आ गया, यमुनानगर का भी आ गया, बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताइए जीपी रेशियो दी हुई है, बताओ जीपी रेशियो का हम अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, 10% अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसका। बिल्स रिसीवेबल जो हमने डेटर से लिए, तो मुझे बताओ बिल्स रिसीवेबल अगर लेंगे तो बताओ एंट्री क्या होती है? हम जब बिल्स लेते हैं तो एंट्री क्या होती है? अगर मान लो आपको दिक्कत आए, बिल्स ड्रॉन फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर से बिल लोगे तो क्या एंट्री बनेगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर कम हो जाएंगे, बिल आ जाएंगे। बिल क्या है? चेक, चेक आ गए डेटर से तो डेटर कम हो जाएंगे। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं? बाय बीआर, कितने रुपए? कहां गया भाई, कहां गया? 652,500 और बीआर में आ गया टू डेटर्स। लुधियाना, लो जी धन्यवाद लुधियाना, वो कह रहे हैं यहां गलत लिखा हुआ है। चलिए और उसने क्या बोला है? डिस्काउंट टू डेटर्स 54,000, तो डिस्काउंट से डेटर कम हो गए 54,000 और ये खर्चा है तो यहां पर भी आ गया 54,000। लक्ष्मी नगर का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। वैसे इस बैच में कड़ा मुकाबला है, इस बैच में कड़ा मुकाबला है। मुझे लग रहा है कि इस बैच के अंदर आप लोग अच्छा खासा कंपीट करेंगे एक दूसरे को। 54,000 के बाद क्या है? डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स 42,000 बाय डिस्काउंट। क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट 42,000। बी आर इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स की एंट्री क्या होती है बताओ? बी आर इंडोर्स्ड, इंडोर्स मतलब किसी और को देना। किसको देंगे बिल? क्रेडिटर को देंगे ना, तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे हमारे, उनको पैसा दे मिल गया और हमारे बी आर हमारे यहां से चले जाएंगे, तो एंट्री क्या बन गई? क्रेडिटर टू बी आर। बेटा जहां जहां उलझन है वहां एंट्री बनाओ, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, द अमाउंट इज 22,500 बाय क्रेडिटर्स। अब मैं नीला पेन यूज कर रहा हूं। फिर वो कहता है
एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, वो तो ऑलरेडी पे कर दिया हमने, वो तो हमने पे कर रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें अब काम की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हमने 1 अगस्त को पे किया। मेरे बच्चे ये बताओ, अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम 1 अगस्त को पे किया तो क्या वो प्री पे नहीं हो जाएगा? वो कह रहे हैं 9,000 रुपीज का प्रीमियम पेड ऑन 1 अगस्त। तो ये बताओ, 1 अगस्त को पे करोगे तो करंट ईयर में आप अगर 1 अगस्त को पे करोगे तो 31 मार्च तक तो आपके कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके हो गए 8 महीने। तो 8 महीने का खर्चा तो आपका खर्चे में आएगा, दिस इज योर एक्सपेंस। बट जो अगले 4 महीने का खर्चा है वो आपका प्री पे नहीं हो जाएगा। नजदीक करो, जो अगले 4 महीने का खर्चा है क्या वो प्री पे नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपने अगर इस डेट को पेमेंट की है फॉर द होल ईयर्स, तो उसमें से ये आपका एक्सपेंस और ये वाला प्रीपेड है। तो इस डेट को कितना प्रीपेड है? अगर 9,000 रुपये दिए थे 12 महीने के लिए, तो 4 महीने का अमाउंट प्रीपेड है। ओ, अगर 9,000 रुपये दिए थे 12 महीने के लिए, तो 4 महीने का अमाउंट प्रीपेड है। तो कितना है प्रीपेड? 3,000। तो एग्जाम के अंदर तो आप ऐसे कर लेंगे, 9,000 बटा 12 × 3, ये प्रीपेड। ₹3,000। हाँ, कटक कह रहे हैं, फिर से बताओ कटक, आपने 1 अगस्त को पेमेंट की है 1 साल के लिए, तो ये तो अगले 1 अगस्त तक हो गई ना कटक। तो तुम्हारा इस 1 अगस्त से 31 मार्च तक का तो खर्चा है, लेकिन 31 मार्च से 1 अगस्त तक का प्रीपेड है, तो ये कितने महीने हो जाते हैं? अप्रैल, मई, जून और जुलाई, एक तो अगस्त आ गई है, तो 4 महीने का प्रीपेड है। अगर 12 महीने का खर्चा 9,000 है तो 4 महीने का प्रीपेड है। सिंपल। ये 3,000 यहां पर भी आएगा प्रीपेड। ₹3,000। फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है 10%। ₹22,500। फिर उसके बाद उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक है 975,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके आगे तो कुछ नहीं, पोस्टिंग का काम है, खाली खाली पोस्ट करते जाना है। ये जीवन है। इन बैंक बाय इंश्योरेंस आएगा और बैलेंस में कैपिटल जा सकता है? जी नहीं, यमुनानगर, यमुनानगर असल में उसने आपको जो डेटा दिया है उसमें ऊपर लिखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो यानी कि सन्ड्री मतलब सारे आ गए उसके अंदर। लेकिन अगर ऊपर लिखता ऑफिस एक्सपेंस तो फिर मैं आपकी बात मान लेता। तो डिस्काउंट हमने लिख दिया है, और नहीं, हमने क्या लिखा है, स्टॉक लिख दिया है, डेटर 228, डेटर 228, BR 210, BR 210, BP 210, BP 210, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,500। बेटा जितनी आप अपनी परफेक्शन लाओगे उतना फायदा है, मेरे करने से नहीं, आपके करने से। और मैं ये सवाल इसलिए कराता हूं कि आप सब जहां जहां अटके हैं आगे से ठीक करना शुरू कर दें, और तो कुछ है नहीं है। अब इनको पैकअप करते हैं जरा। तो मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट्स में जो बचेगा वो क्या होगा? बताओ जरा फिक्स्ड एसेट्स में जो बचा वो क्या है?
2,02,500। डेटर अकाउंट में पहले बीआर को पूरा कर लेते हैं, तो बीआर में हमारे पास आ रहा है भाई कैश बैलेंसिंग फिगर। बताओ जी कितने का आ गया बीआर? टू बीआर। बीआर से कितने पैसे मिले हमको? सबने कहा सर 5,10,000 रुपए। जो राह तूने चुन ली उस राह पे बच्चे चलते जाना रे। क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल देखते हैं हमारे पास कितनी आएगी। 2,97,500। 2,97,500 क्रेडिट सेल। आप जीपी निकाल सकते हैं, अब आप जीपी ढूंढ सकते हैं अपना, क्योंकि जीपी में दिक्कत नहीं है, इन दोनों का टोटल लगाओ तो जीपी आ जाएगा। कोटा कह रहा है बैलेंस शीट भी टैली हो गई, वेरी गुड कोटा। 1,404,750। कोटा मैं पहले से जानता था, कोटा तुम होशियार बच्चे हो। कोटा तुमको बताओ किसने कहा था ट्यूशन लगाने के लिए 1,404,750, तुमको तो पहले ही आता कोटा। मुझे ये बताओ परचेज का बैलेंस कितना निकाल लोगे? बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर परचेज। हाँ जबलपुर 1,270,2,750। देखना मैंने ठीक लिखा क्या, 1,27,02,750 रुपए। यस, ये आ गई क्रेडिटर्स में 1,27,00,750। यहां भी हम पहुंच गए। हाँ मुरादाबाद अगला क्वेश्चन बताता हूं, मिलके करेंगे वो क्वेश्चन, होमवर्क का नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, मिलके करेंगे वो। मुझे बताओ इंश्योरेंस का खर्चा कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा पी एंड एल में? इंश्योरेंस ये बताओ, ये फिर से 9,000 क्यों आ रहा है? ये फिर से 9,000 क्यों आ रहा है? इस 9 में से 3,000 डेफर कर दिए तो 6,000 राइट ऑफ होगा, और 3 पिछला प्रीपेड भी राइट ऑफ होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके रुड़की टनाटन आंसर दे रहा आज तो। रुड़की बेटा तुमने नाश्ते में क्या खाया था, वो तुम्हें रोज खाना है। बाय पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर्स। बताओ जी कितना आ गया? तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये कितना आ गया 9,22,050। झुंझुनू ये वाला 3,000 जो पिछली प्रीपेड था वो भी राइट ऑफ हो गया, और इस बार के 9,000 में से जो था 6,000 रुपए का खर्चा ये भी राइट ऑफ हो गया। तो ये 9,000 जो बना है वो इसकी वजह से और इसकी वजह से बना है। ओके कोटा कह रहा है परचेज का अमाउंट गलत लिखा है। भाई देख लो परचेज का अमाउंट गलत बता रहे हैं एक बच्चा। 9,22,050 प्लस 7,500 माइनस 67,500, 862,500 टू एक्सपेंसेस, 862,500। हाँ तो कोटा मैंने कौन सी बैलेंसिंग फिगर कर ली है? मैं तो बैलेंसिंग फिगर निकाला ही नहीं अभी तक। कैश और बैंक को बाद में देखते हैं। यहां भी हो गया, ये भी हो गया, अब रह गए हमारे पास सिर्फ ये दो खाते। बताओ इन दोनों में कोटा कह रहा है जी पहले इसे बंद करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, पहले इसी को बंद करना चाहिए। तो कोटा की बात में दम है। कोटा अपना भी टाइम आएगा, ये गाना है ना, तो वही आ गया अपना भी टाइम आएगा प्लस 2,10,000 माइनस 8,70,562,562,500। बैलेंस सीडी बता दीजिए, क्रेडिटर्स का बैलेंस सीडी कितना है?
कोटा परचेज बैलेंस फिगर नहीं आएगी ना बेटा, यहां से निकलेगी बैलेंस फिगर। आपके पास सेल है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, तो परचेज निकलेगी, परचेज निकलेगी तो यहां जाएगी, ये बीपी से जाएगा, फिर सीडी निकलेगा इसका 862050। ये लो बस, क्रेडिटर्स का बैलेंस निकाल दो। वेरी गुड सिलीगुड़ी, 100 562 500 562, ये भी 562 है क्या? अब सारे कह रहे हैं 100 2750। देख लीजिए, जबलपुर बीपी तो लिख दिया ना 562 500, दोबारा क्यों बता रहे हो मुझको? संबलपुर कह रहा है एक्सपेंसेस को चेक करो एक बार, 67 500 प्लस 862 5050 माइनस 7500 इज इक्वल टू, ठीक है वो एक गलती थी मैंने वो ठीक कर चुका हूं मैं। क्रेडिटर्स बताओ, तो मैंने अपने पास ये भी कर लिया, आप कैश एंड बैंक पर आ जाइए, तो अगर ये सब कुछ ठीक होगा तो कैश और बैंक टैली हो जाना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक है तो ये टैली हो जाना चाहिए। श्री गंगानगर बेटा कंबाइन एक्सपेंस कर लोगे तो सेम अमाउंट निकल कर आ रहा है, जो आप कह रहे हो ना 871050 बराबर आ रहा है। आगरा कह रहे टैली हो रहा है ये, तो बस अब तो आगे कुछ नहीं करना, आपने अब नेट प्रॉफिट निकालना है। बैलेंस शीट टोटल लगा लो, 499200 इज नेट प्रॉफिट, 499200 बैलेंस शीट टोटल लगा लीजिए जो भी आता है। गुड़गांव परचेज कैश में भी हो सकती है अगर क्वेश्चन में डाटा होता तो। अब ये बैलेंस आ रहा है 1890 1850 1809, भारी फिगर हो गई ना थोड़ी सी, 1809 450 चेक कर लीजिए। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी क्वेरी थी कि सर क्या हम इनको इकट्ठा करके बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, तो इकट्ठा करके भी बना सकते थे। तो आप में से कुछ बच्चों ने अगर इकट्ठा करके बना लिया होगा तो भी टनाटन अकाउंट होगा। मैंने तो इन्हें कंबाइन कर दिया, आप मत करिए कंबाइन। तो ये देखो, अगर आप कंबाइन नहीं करते तो बताओ फिर क्या होता? फिर मैं अपने पास कंबाइंड सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट बना देता और इसी में मैं प्रीपेड लिखता, इसी में मैं आउटस्टैंडिंग लिखता। आहा हा हा हा, इसी में मैं टोटल पेमेंट लिखता 931050, इसी में मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखता और प्रीपेड तो मैं ढूंढ लेता कि प्रीपेड कितना है। 9000 अगर इंश्योरेंस 12 महीने का है तो 4 महीने का मैं ढूंढ लेता और मेरे पास सीधा 871050 का अमाउंट निकल कर आता जो कि यहां चला जाता। तो इसलिए आप में से जिन जो बच्चों ने ऐसा किया है वो भी टनाटन ठीक है। मैंने अलग क्यों किया? क्योंकि इंश्योरेंस पर क्वेरी थी, मैंने उस वजह से उसको एड्रेस करने के लिए अलग करके दिखाया ताकि सब बच्चों को समझ सके कि हाँ ठीक है, ये इन्होंने खाली इंश्योरेंस का बनाकर दिखा दिया और ये बाकियों का बनाकर दिखा दिया। अब मुझे फटाफट से ये बता दीजिए, क्या आपके साथ कोई क्वेश्चन कराया जाए? ध्यान देना, अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि अब ना आपको मेरे से आगे चलने का प्रयास करना है, अब आपको मेरे से आगे चलने का प्रयास करना है। इसका प्रिंट आउट ले लेता हूं, बाकी मैंने प्रिंट आउट पहले लिया हुआ था।